मैंने इंडक्शन मोटर में आप लोगों को ये बताया था कि कितने तरह के बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है और स्लिप जैसी चीज़ क्या होती है और बेसिक कंस्ट्रक्शन में दो तरह के रोटर कौन कौन से होते हैं ये वाली चीज बताई थी स्लिप के बारे में इंडक्शन मोटर में तो बड़ी डिटेल वाली चीजें मौजूद हैं अभी तो बहुत बेसिक चीज भी पूरी ढंग से नहीं हो पाई है तो बहुत डिटेल चीज़ें मौजूद हैं खैर मैं एक जल्दी से आप लोगों को एक छोटा सा पार्ट इसका जो है कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है उसका केवल आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं देखो थ्री फेज रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है उसका बेसिक एग्जांपल देखिए जल्दी से थ्री फेज सप्लाई बनानी सब लोगों को आती है hmm? ये इनएक्युरेट है तो इसलिए ये इतना पार्ट रखते हैं एक्यूरेट है बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है बट ये तो बेसिक आइडिया बेसिक आइडिया में ये वाली चीज़ देखिए कि रफली ये वाली चीज देखिए जिस पॉइंट पर ये मान लीजिए आर सप्लाई है ये वाई है ये बी है ठीक है जब तीन फेस वोल्टेज आप देंगे सिंपल कंस्ट्रक्शन क्या है सिंपल चीज थ्री फेज आप वोल्टेज देते हैं वी आर वी वाई वी बी

और फाइव आई और फाइव बी तो ये तीन फेज करंट की वजह से थ्री फेज फ्लक्स जनरेट होगा फाइव आई और फाइव बी ये तीन फेज जिस तरह से करंट्स ऊपर नीचे जाएंगी ये आई आर ए आई आर जैसे बढ़ेगी वैसे फाई आर भी बढ़ेगा आई वाई जैसे बढ़ेगी वैसे फाइव वाई भी बढ़ेगा एंड सो इन सो फोर इस तरह से जैसे जैसे ये करंट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे ये फ्लक्स बढ़ेंगे जब करंट्स कम होंगे तो फ्लक्स भी कम हो जाएंगे ठीक अब इसकी वजह से यहां पर देखो ऊपर

पहला वाला पॉइंट ये अब सही जिस टाइम ये दोनों पॉजिटिव है और यहां चल रहे हैं उस टाइम ये तीसरा वाला जो है वो नेगेटिव है और मैक्सिमम चल रहा है उसके बाद में एक जीरो चल रहा है उस पर यह वाला यहां पर है दूसरा वाला यहां पर है इस तरह से अलग अलग पॉइंट देखो पहले ये वाला पॉइंट देखो इस पॉइंट पर क्या चल रहा है आर की वैल्यू जीरो है आपने डायरेक्शन कोशाइन माने हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है कि आपने ये माना इस डायरेक्शन में फाइव आर पॉजिटिव होगा उससे वन ट्वेंटी डिग्री पीछे इस डायरेक्शन में फाइव वाई पॉजिटिव माना जाएगा और इस डायरेक्शन में फाइव बी ये पॉजिटिव माना जाएगा ठीक अब इस पॉइंट पर देखो फाइव आर की वैल्यू जीरो है ठीक है ये कौन सा है फाइव बी फाइव बी पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू पॉइंट सेवन जीरो से थोड़ी सी कम है पीक से थोड़ी सी कम है एंड दिस इज पॉजिटिव तो 5Y, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू इतनी है दिस इज नॉट वन मैक्सिमम नहीं है मैक्सिमम से थोड़ी सी कम है पॉइंट सेवन जीरो सेवन निकल के आती है बेसिकली ये है. तो दिस इज फाइव बी और ये क्या है दिस इज फाइव वाई ये फ्लक्स फाइव वाई है खाली उनके वैल्यूज प्लॉट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे फाइव वाई है और इसकी नेगेटिव में उतनी वैल्यू है जितनी फाइव बी की पॉजिटिव में जितनी वैल्यू है तो फाइव वाई नेगेटिव है फाइव पॉजिटिव था तो नेगेटिव किस तरफ होगा इस डायरेक्शन में इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा तो फाइव वाई जो है फाइव बी पॉजिटिव किधर है दिस इज फाइव बी पॉजिटिव इस डायरेक्शन में फाइव बी पॉजिटिव होगा बी तो पॉजिटिव चल रहा है ना बी पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होगा वाई जो है वो चल रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव किस डायरेक्शन में हो रहा है इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव होगा ये नेगेटिव हो गया इनका फेस डिफरेंस जो निकल के आएगा यू सी वो जो निकल के आएगा दिस विल बी वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव फाइव एम फाइव एम क्या है फाइव आर फाइव आर इजग्वल टू फाइव एम साइन फाइव फाइव वाई टू टी माइनस वन ट्वेंटी और फाइव बी इज इक्वल टू साइन उमेगा टी प्लस वन ट्वेंटी या माइनस टू फोर्टी जो भी आप लिखना चाहें माइनस टू फोर्टी लिख लीजिए या प्लस वन ट्वेंटी लिख लीजिए कोई भी चीज है ठीक थी। है अब दोबारा यहां पर आइए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो पर ही हो रहा है जब ये वाला पॉइंट आपने लिया ये दूसरा ये वाला पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बेसिकली क्या हो रहा है ये नेगेटिव मैक्सिमम कौन सा चल रहा है फाइव वाई वैल्यू नेगेटिव है और मैक्सिमम है तो ये इससे बड़ा फेजर इतना बड़ा फेजर ये है फाइव आई फाइव आर और फाइव बी दोनों पॉजिटिव हैं और आधे आधे हैं रफली आधे आधे इनके एग्जैक्ट वैल्यूज़ देख लेना क्या क्या तो फाइव आर पॉजिटिव है किधर पॉजिटिव है ये रहा। ये रहा फाइव आर आधा फाइव बी पॉजिटिव है फाइव बी पॉजिटिव इधर है जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है दोनों एंगल सेम है तो इन तीनों का रिजल्टेंट जो निकल के आएगा इन तीनों का रिजल्टेंट जो, इस तरह निकल के आएगा दैट विल बी अगेन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू विल बी वन पॉइंट फाइव फाइव एम ठीक अभी अगर समझ में पूरी तरह से नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा अब थर्ड वाला केस लीजिए ये वाला ये 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 यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो कौन सा जीरो है फाइव बी जीरो है फाइव आर क्या है पॉइंट सेवन जीरो सेवन है मतलब पॉइंट सेवन जीरो सेवन मैक्सिम नहीं है पॉइंट सेवन जीरो सेवन है पॉजिटिव है फाइव आर पॉजिटिव है और कितना है दिस इज फाइव आर और ये कौन सा नेगेटिव है फाइव वाई ये नेगेटिव है और इधर है इतना है इनका रिजल्टेंट जाएगा ऐसा दिस रिजल्टेंट इज अगेन वन पॉइंट फाइव फाइव एम तीन काफी हैं इसमें ये वाली चीज ध्यान दीजिए कि ये जो पहले फेजर जो यहां था ये थोड़ी देर के बाद ये फेजर हो गया यहां और थोड़ी देर के बाद में ये फेजर हो गया ऐसे नेक्स्ट पॉइंट पर ये वाला फेजर हो जाएगा ऐसा इसके बाद ये हो जाएगा ऐसा इसके बाद ऐसा इसके बाद को दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है घूम रहा है ये बेसिकली ये पहले यूं था फिर यूं हो गया फिर यूं हो गया इन सारे इन सब पॉइंट्स को भाई ये सब एक दूसरे को सुपरपोज कर दीजिए तो पहले ये ऐसा था फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। ये घूमता जा रहा है दिस इज बेसिकली द रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ठीक ये 360 डिग्री स्पेस में पूरा ये घूमता फिर रहा है जब आप इसके सारे सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे देन यू विल सी इसमें मैंने क्वेश्चन में ये वाली चीज लिख रखी है शो दैट व्हेन थ्री आइडेंटिकल कॉइल्स और यही चीज टू फेज वाले के लिए भी और यही चीज थ्री फेज वाले भी दोनों के लिए आप किताब के अंदर बेसिकली ये वाली चीज आपको दिखाने वाले ठीक है दिस प्रूव so की रिवॉलिंग मेनेटिक फील्ड इज बिंग प्रोड्यूस ठीक है किस किस के बीच में गुड मैग्नेटिक फील्ड किस किस के बीच में प्रोड्यूस होगा ये रही इंडक्शन मोटर ये रहे इसके तीन फेज के तार जिसमें आपने ये तीन फेज की सप्लाई आपने दे रखी है इन तीनों तारों में आपने वी आर वी वाई बी बी तीनों फेज की सप्लाई इसके अंदर दे रखी है तो ये सप्लाई कहां पहुंच रही है वैंडिंग में कौन सी वैंडिंग में स्टेटर वाइंडिंग रोटर बैंडिंग में, में तो स्टेटर वाइंडिंग में क्योंकि सप्लाई पहुंच रही है इसलिए स्टेटर वाइंडिंग की फील्ड में वाली फील्ड बनेगी उस पॉइंट से शुरू करते हैं जो पॉइंट आपको किताबों के अंदर नीचे रखा है और वो पॉइंट क्या है इंडक्शन मोटर की सारी वर्किंग इज कंट्रोल्ड बाय वन सिंपल इक्वेशन और वो सिंपल इक्वेशन क्या है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस इक्वेशन इंडक्शन मोटर की वर्किंग पूरी गवर्न करता है ठीक है इनपुट की वैल्यू वन से मल्टीप्लाई होगी तो आउटपुट की वैल्यू वन माइनस एस रहेगी इसका मतलब लॉस क्या हो जाएगा एस जैसे फॉर एग्जांपल क्या है अगर आप वन को एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू गेट एफ इज इक्वल टू एफ इंटू वन माइनस एस प्लस एस इंटू एफ फ्रीक्वेंसी स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी से मल्टीप्लाई करिए वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी इंटू वन इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी इंटू वन माइनस एस प्लस वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी इंटू एस दिस वॉज द इनपुट स्पीड इनपुट स्पीड का मतलब क्या हो गया कितनी स्पीड उसके अंदर इनपुट करिए बेसिकली तरह की स्पीड मिली एक तो रोटर स्पीड रोटर स्पीड का स्पीड वन ट्वेंटी फिफ्टीन हंड्रेड आर पी एम है तो इसकी वजह से दिस इज 1460 सिक्सटी प्लस फोर्टी इसी तरीके से पूरा पूरा रहता है देखो एफ रहा F into 1 minus S ये रहा, F into 1 minus S और S F ये S F ये चीज़ रही। तो S F क्या है S F इज द स्लिप फ्रीक्वेंसी तो और ये वाली चीज आप आगे जाकर भी देखेंगे P2 into 1 will विल equal इक्वल टू into 1 minus S plus P2 प्लस S ये वाले क्वेश्चन अभी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आप जाकर देखेंगे वाली थी, ठीक है तो इंडक्शन मोटर की जितनी वर्किंग है इनपुट प्लस अंदर डिवाइडेड है पहले मैं ये बता सकता हूं कि एस एफ लिए क्या है एस एफ इज द स्लिप फ्रिक्वेंसी स्लिप फ्रिक्वेंसी एस एफ कैसे निकलता है एस एफ इज नोन एज बेसिकली एफ डैश एफ डैश इज इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन वन ट्वेंटी अपॉन पी ये वर्ची होती है मतलब देखो ये वर्ची आपको पता होगी कि एफ इज ऑलवेज इक्वल टू पी इन अपॉन वन ट्वेंटी यहां एन की वैल्यू इज एन एस माइनस एन इस पर्टिकुलर केस में एफ डैश की वैल्यू स्लिप जहां हो रही है वहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी चल रही है दैट इज इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन वन ट्वेंटी अपॉन पी इसमें अगर सारी चीजें एकदम से आज की क्लास में क्लियर नहीं हो रही है डोंट वरी आगे कुछ चीजें और जब क्लियर होंगी तब उसके बाद में ये वाले अपने आप में कोरिलेट कर ठीक तो एफड की वैल्यू होती है एनएस माइनस एन अपॉन वन ट्वेंटी अपॉन पी और यहां पर इसका मतलब ये हो जाता है कि एस की वैल्यू जानते हैं एस इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस ये एनआर ठीक है तो एन एस माइनस एनआर की वैल्यू कितनी हो गई एस इन टू एन एस ठीक एस इंटू एन एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर सो एफ डैश इज इक्वल टू एस इन टू एन एस अपॉन 120 upon p which is equal to 120 p n s upon 120 into s p n s upon 120 this is equal to f e f hota hai, so this is equal to f into s so f dash is equal to s f e f s fs. Ye this is the value for rotor slip frequency slip frequency बस खाली इतना समझ लीजिए एफ डैश इज द स्लिप फ्रीक्वेंसी ठीक है अभी ये वाली चीजें और क्लियर हो जाएंगी डिटेल में कि ये वाली चीजें कैसे वर्क कर हैं। देखो ये रहा स्टेटर ये रहा रोटर और इसके अंदर गलत क्या बना रखा है मैंने एयर गैप इसके अंदर एयर गैप मैंने बहुत ज्यादा बना रखा है जो कि दो या तीन मिलीमीटर होता है नॉट मोर देन दैट ठीक है अब देखिए ध्यान सुनो सब कुछ इस पर ही डिपेंड कर रहा है सब कुछ और थोड़ा सा एक जगह कंफ्यूजिंग है ये स्लिप के केस में लेकिन वो चीजें मैं क्लियर कर दूंगा सारी आराम से सा। देखिए इसके अंदर जब आप सप्लाई देते हैं पावर फ्लो मूवमेंट कैसा है

स्टेटर के अंदर जो लॉस होते हैं स्टेटर के अंदर लॉस बची हुई पावर जितनी होगी दैट विल बी डेट पावर ये P1 इसके अंदर दी गई है बची हुई पावर वो इसमें से निकलेगी और किसके अंदर जाएगी रोटर के अंदर दिस पावर पी टू तो पी वन इज स्टेटर इनपुट पी वन जो है वो है स्टेटर इनपुट और P2 टू इज द स्टेटर आउटपुट और रोटर इनपुट स्लिपिंग रोटर में रोटर को अलग से सप्लाई नहीं देते स्लिपिंग रोटर केस में आप रोटर के साथ में रजिस्टेंसेज कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई रोटर में नहीं दी जाती वंस एंड फॉर ऑल इंडक्शन मोटर के अंदर आप रोटर में सप्लाई नहीं देते हैं रोटर के अंदर रेजिस्टेंसेज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं सप्लाई हमेशा स्टेटर में दी जाती है फॉर एवर वंस एंड फॉर ऑल इसमें कभी कोई डाउट मत रखिए इंडक्शन मोटर में सप्लाई खाली स्टेटर में जाएगी रोटर के अंदर नहीं जाती ठीक तो दिस इज द रोटर इनपुट स्टेटर आउटपुट और रोटर इनपुट और उसके बाद जो रोटर आउटपुट होगा रोटर आउटपुट दैट इज पी एम पी एम इज द रोटर आउटपुट रोटर मैकेनिकल आउटपुट रोटर के अंदर अपने लॉस होंगे रोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल लॉस जितने होते हैं कॉपर लॉसेस रोटर के अंदर जो तो कॉपर लॉस होंगे वो जब आप हटा देंगे तो पी वन माइनस स्टेटर कॉपर लॉस विल भी इक्वल टू पी टू और पी टू माइनस रोटर कॉपर लॉस विल भी इक्वल टू पी एम मैं भी इसके ब्लॉक डागन बना देता हूं ब्लॉक डागन बना ही देते हैं बिल्कुल ज्यादा अच्छा ये एक मिनट रख जाओ ब्लॉक डागनम बनाकर समझाता हूँ क्लियर हो जाएगा P1 स्टेटर इनपुट इसमें से जितना लॉस हुआ दैट इज स्टेटर कॉपर लॉस फिर उसके बाद जितनी आपको पावर मिली दिस वाज P2 टू विच वॉज स्टेटर इनपुट और रोटर नहीं स्टेटर आउटपुट और रोटर इनपुट स्टेटर आउटपुट और रोटर इनपुट इसके बाद इसमें हुआ रोटर कॉपर लॉस और फिर जो आपको पावर मिली है दैट पावर इज पी एम मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर इसमें हुए मैकेनिकल लॉसेस मैकेनिकल लॉस कौन कौन से तरह के होते हैं फ्रिक्शन लॉस और विंडेज एयर ड्रैग एयर फ्रिक्शन मैकेनिकल फ्रिक्शन जितने भी तरह का और इसके बाद में जो आपको पावर मिली है दिस पावर इज पी एस एच यानी कि शाफ्ट पावर तो पी टू दिस इज ऑल्सो नोन एज पावर अक्रॉस एयर गैप पावर अक्रॉस एयर गैप एयर गैप में से कितनी पावर ने पास किया दैट इज बेस्कली पी टू तो पी वन स्लेटर के अंदर दिया गया स्टेटर के अंदर कॉपर लॉस हो गए बची हुई पावर स्टिल्टर में से बाहर निकली जो एयर गैप को क्रॉस करती हुई रोटर के अंदर घसी दैट पावर इज नोन एज पी टू पावर अक्रॉस एयर गैप उसके बाद रोटर के अंदर रोटर कॉपर लॉस हुए और रोटर कॉपर लॉस होने के बाद में जितनी पावर डेवलप करी गई अंदर दैट वॉज मैकेनिकल पावर डेवलप पी और उसमें जब मैकेनिकल लॉस निकाल देंगे तो बची हुई पावर जितनी दैट इज पी और वो दैट इज गिवन आउट एट द शाफ्ट शाफ्ट पर आपको मिलती है ठीक अब देखो क्या हो रहा है ये जितना इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस वाला जितना आपको फंडा बताया था दिस इज ट्रू फॉर द द रोटर रोटर के अंदर जितना इनपुट जा रहा है वो रोटर के आउटपुट में और लॉस में बट रहा है रोटर के अंदर अब ये ध्यान दीजिए अब देखो अब समझ में आना शुरू होगा ये कुछ चीजें समझ में अभी नहीं आई होंगी डोंट वरी मैं ये वाली चीजें दोबारा जब टॉर्क पढ़ाने के बाद में दोबारा ये वाला ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तब और चीजें क्लियर हो जाएंगी देखिए इसमें जो सप्लाई स्टेटर के अंदर दी गई है उस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है फिफ्टी हर्ट्ज ठीक है इस स्टेटर की अंदर जो फील्ड डेवलप हो रही है वो फील्ड किस तरह की है? रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्विंग वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है सेम ठीक वन ट्वेंटी पी है अभी तक फ्रीक्वेंसी उतनी की उतनी है उतनी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर फील्ड इसके अंदर से निकल रही है वो फील्ड पूरी एयर गैप में घूम रही है और वही फील्ड की जो सप्लाई है वही सप्लाई इस रोटर के अंदर भी घुस रही है रोटर जो रिलेटिव मोशन कर रहा है रोटर जो रिलेटिव मोशन कर रहा है वो जिस सिंक्रोनस स्पीड के साथ में कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हर्ट यहां पर भी थी है? इसके बाहर जितनी निकली उसके, निकली, उसके निकली, 50 अब उसकी से, इसके अंदर जितना आउटपुट आया मैकेनिकल आउटपुट मोटर के अंदर मैकेनिकल आउटपुट है उस मैकेनिकल आउटपुट के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसी थी वो आउटपुट जितना भी था उसका अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट लेते तो उसकी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती दैट बीन इक्वल टू एफ इंटू वन माइनस एस ठीक और बचा हुआ जो इस रोटर के अंदर कॉपर लॉस क्रिएट कर रहा है जो जितना मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी बच गई जितनी फ्रीक्वेंसी उसमें निकल गई

सिंक्रोनस स्पीड रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का आउटपुट क्या है स्टेटर कौन सी चीज प्रोड्यूस कर रहा है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड वो जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड वन ट्वेंटी एफ अपन पी है वो स्पीड इसके अंदर इनपुट हुई है वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी पंद्रह सौ आरपीएम उसकी वजह से मैकेनिकल स्पीड आपको जितनी मैकेनिकल आउटपुट की तरह से मिली दैट वाज हाउ मच कितनी थी न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी चौदह सौ साठ फोर्टीन हंड्रेड सिक्स इतना आर की आपको मैकेनिकल आउटपुट आपको मिल रहा है ठीक है और जितना स्पीड लॉस हो गया बेकार हो गया उसकी स्पीड कितनी थी फोर्टी आरपीएम इतनी आरपीएम थी दैट स्पीड वॉज नोन एज स्लिप स्पीड वो जो लॉस की तरह से चला गया दैट स्पीड वॉज नोन एज स्लिप स्लिप स्पीड स्पीड वो slip speed थी और जितना मैकेनिकल आउटपुट की तरह से आपको मिला दैट वॉज द रोडर स्पीड रोटर स्पीड मैकेनिकल आउटपुट की तरह जितनी स्पीड मिली द रोटर स्पीड वो रोटर स्पीड ठीक है तो इस तरह से ये पूरा इसके अंदर इंडक्शन मोटर के अंदर काम चलता है इनपुट रोटर के अंदर इनपुट कितना दिया जा रहा है रोटर में से आउटपुट कितना निकल रहा है और रोटर के अंदर लॉसेस कितने होगा ये ही सारी चीजें क्योंकि इंडक्शन मोटर में भी बहुत सारा समझाने के लिए है शुरुआत की ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं देन वी विल कंटिन्यू थैंक यू